वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिमिलरिटी चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हमको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, जो कि हमने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ अ चैप्टर सिमिलैरिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर फर्स्ट एक्सरसाइज सिमिलैरिटी। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें हमारे दो ट्राइंगल के डिस्क्रिप्शन दिए हुए, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल का बेस एंड हाइट गिवन है और सेकेंड ट्राइंगल का भी बेस एंड हाइट गिवन है। सो फर्स्ट ट्राइंगल का जो बेस एंड हाइट है, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस 9 है एंड द हाइट इज 5, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो दूसरे ट्राइंगल का जो बेस है वो 10 है एंड द हाइट इज 6। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। जो हमने प्रॉपर्टी स्टडी किया हुआ है उस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन से हमारे जो प्रॉपर्टी में यूज होने वाले टर्म्स है वो नोट डाउन कर लिए। जैसे फर्स्ट वाला ट्राइंगल है, तो फर्स्ट ट्राइंगल का जो बेस एंड हाइट है उसको B1 एंड H1 से इंडिकेट कर लिया हमने, और सेकेंड ट्राइंगल का जो बेस एंड हाइट है उसको B2 एंड H2 से इंडिकेट कर लिया। सो फर्स्ट ट्राइंगल का बेस एंड हाइट 9.5, सेकेंड ट्राइंगल का बेस एंड हाइट। अब हम यूज करेंगे हमारा प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी हमारा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करेस्पॉन्डिंग हाइट। सो B1 इंटू H1, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल का बेस एंड हाइट है, उसके नीचे दूसरे ट्राइंगल का बेस एंड हाइट है। अब हमारे पास B1, H1, B2, H2 ये सारे वैल्यूज अवेलेबल है, वो पूरे वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट किया तो इट इज 9 × 5 डिवाइड बाय 10 × 6 हो गया। अब इसके अंदर हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, जैसे अगर आप देखोगे तो 5 1 और 5 2 10 होता है, और ये 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 3 2 6 हो गया। सो ऑल टुगेदर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिलेगा 3/4, दैट मीन्स रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज 3:4 हो गया, इट इज 3:4। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने। सो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमको डायग्राम ड्रॉ करके दिया हुआ है। अब इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो ट्राइंगल्स है, एक अपर ट्राइंगल है और उसके नीचे लोअर ट्राइंगल दिया है, और दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल है आप नोटिस करोगे तो। अब देखो दोनों ट्राइंगल की खास बात है कि दोनों का बेस सेम है। ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसका भी बेस ए बी है, और जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसका भी बेस ए बी है। अभी देखो हमको फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही है, उसमें रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स बोला था, इसमें नेम लिख के दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी हमको फाइंड आउट करना है। तो सेम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हम लोग। इसमें देखो ये दो ट्राइंगल इस टाइप के हैं जिसमें बेस सेम है, तो हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि जब ट्राइंगल के बेस सेम है तो उनके एरियाज का जो रेशियो है उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल होता है। तो देखो फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है ऊपर वाला, उसका हाइट क्या है बी सी, और जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसका हाइट क्या है ए डी, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बी सी अपॉन ए डी। मतलब ये दोनों ट्राइंगल कौन से टाइप के हैं, जिनका बेस सेम है। तो बेस सेम है तो एरियाज का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल होगा।
सो बी सी अपॉन ए डी लिख दिया हमने, और क्वेश्चन में नोटिस करेंगे तो बी सी एंड ए डी इन दोनों के वैल्यूज हमको गिवन है, वो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हो गया 4/8, और ये 4 1 4 2, सो ये हो जाएगा 1/2, इट इज 1/2, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1:2। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो रेशियोज है वो कितना है, 1:2 या फिर 1/2, क्वेश्चन में जिसके जिस तरीके से लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1/2। सब स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। अब थर्ड क्वेश्चन में भी हमको डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दिया हुआ है, एक बार हम क्वेश्चन रीड कर लेते। इन द फॉलोइंग फिगर सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर ऑन द सेगमेंट आर क्यू, मतलब जो पी एस है वो परपेंडिकुलर है आर क्यू पर, आर क्यू लाइन सेगमेंट है उसको एक्सटेंड किया हुआ है, सो आर एस भी बोल सकते हैं या फिर आर क्यू भी बोल सकते हैं। सो पी एस इज परपेंडिकुलर ऑन आर क्यू। दूसरा एक और सेगमेंट है विच इज परपेंडिकुलर, क्यू टी इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर। अभी देखो कुछ चीजें गिवन है हमको इसके अंदर, आर क्यू का वैल्यू 6 गिवन है, पी एस का वैल्यू भी 6 है। आर क्यू कहां पर है, आर क्यू 6 है और जो पी एस है वो भी 6 है, और एक वैल्यू और दिया हुआ है पी आर विच इज 12। सो पी आर का वैल्यू 12 दिया हुआ है हमको। अब देखो हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्यू टी फाइंड आउट करना है इसके अंदर। क्यू टी कहां पर है डायग्राम में, ये। अब देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। एक ही ट्राइंगल के दो अलग अलग समझो हम एरियाज फाइंड आउट करेंगे अलग तरीके से, मतलब मे भी हो सकता है उसका हाइट अलग है। देखिए जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ट्राइंगल पी क्यू आर लिया हमने, ट्राइंगल पी क्यू आर का जो बेस और हाइट है फर्स्ट टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं, इसका जो बेस है वो क्यू आर है। तो अगर ट्राइंगल पी क्यू आर का बेस क्यू आर कंसिडर करेंगे तो हाइट क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होता है बेस पे, तो आर क्यू पे और क्यू आर पे परपेंडिकुलर कौन सा सेगमेंट है, पी एस है। दैट मीन्स अगर मैंने बेस क्यू आर कंसिडर किया तो हाइट क्या होगा ट्राइंगल का, पी एस होगा। इसलिए यहां पे फॉर्मूले में लिखा है हाफ इंटू बेस क्यू आर लिया है तो उसका हाइट क्या होगा, पी एस। अब इन दोनों के वैल्यूज हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों के वैल्यू 6 है, क्यू आर का वैल्यू भी 6 है, पी एस का वैल्यू भी 6 है। अब ये वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये 36 हो जाता है, 6 × 6 = 36, उसको 2 से डिवाइड करना है तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 18। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हमारा 18 है। सो अब स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे। सो फोर्थ क्वेश्चन में भी देखो डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया हुआ है और उस डायग्राम के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और कुछ हमको फाइंड आउट करने बोला गया। सो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते। देखो इसमें बोला गया कि एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, तो डायग्राम में देखो एपी कहां पर है, एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। एक और चीज गिवन है एडी इज पैरेलल टू बीसी, मतलब ये जो लाइन है एडी इट इज पैरेलल टू बीसी। अब देखो पैरेलल लाइन की खासियत होती है कि उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा सेम होता है, मतलब ये दोनों लाइन का यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, अगर फॉर एग्जांपल समझो 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, कहीं पे भी हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे अगर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन तो 5 ही आएगा। दैट मीन्स पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा सेम रहता है एवरीवेयर।
तो एपी परपेंडिकुलर ऑन बेसी है, मतलब एपी क्या बन गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बन चुका है। हमको देखो फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी का रेशियो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी कहां पर है, ए बी सी जिसका बेस बी सी है और हाइट है ए पी, बराबर। ट्राइंगल ए बी सी का बेस है बी सी और हाइट है ए पी। दूसरा ट्राइंगल बी सी डी, अब बी सी डी देखते हैं। सो बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी का जो बेस है बी सी है। अब इसका हाइट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा इसमें, बट हमने अभी डिस्कस किया था कि पैरेलल लाइन का जो बीच का डिस्टेंस होता है हमेशा सेम रहता है एवरीवेयर। सो इससे जो डी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी उसका वैल्यू भी सेम होगा जो वैल्यू एपी का है। दैट मीन्स बी सी डी जो ट्राइंगल है उसका बेस बी सी है एंड हाइट क्या है उसका ए पी है। दैट मीन्स ये ऐसे दो ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहा है जिनका बेस बी सी है, दैट मीन्स कॉमन बेस है और हाइट भी पैरेलल लाइन के बीच में है, मतलब इन दोनों ट्राइंगल के हाइट भी सेम है। सो जब दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट दोनों ही सेम है, ये प्रॉपर्टी भी हमने स्टडी किया हुआ है, दैट टाइम उन दोनों ट्राइंगल का जो रेशियो होता है वो 1:1 हो जाता है। मतलब ये 1:1, 1:1, दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो 1:1 है। ये दोनों ट्राइंगल ऐसे थे जिनका बेस एंड हाइट सेम था। सो जब बेस और हाइट दोनों बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होता है, दैट टाइम रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1:1। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर देखो जो 5 है उसमें एक डायग्राम दिया है और वो डायग्राम के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी है और उस डायग्राम के रिलेटेड बहुत सारे ट्राइंगल के कॉम्बिनेशन दिए जिसमें हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। सो ये ट्राइंगल में काफी इन बिटवीन ट्राइंगल्स दिए हुए। अब देखो फर्स्ट ट्राइंगल, जो फर्स्ट हमको फाइंड आउट करना है रेशियो, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी। सो देखेंगे वेयर इज पी क्यू बी, पी क्यू बी, पी क्यू बी जिसका बेस बी क्यू एंड हाइट इज पी क्यू। दूसरा उसके नीचे जो ट्राइंगल दिया है पी बी सी, सो पी बी सी जिसका बेस है बी सी और हाइट है पी क्यू। मतलब ये दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिनका हाइट सेम है, दोनों ट्राइंगल का हाइट पी क्यू है। सो जब ट्राइंगल का हाइट सेम होता है तो ट्राइंगल के रेशियोज, ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो है वो उनके करस्पॉन्डिंग बेस के बराबर होता है। तो ये दोनों ट्राइंगल के बेस क्या है, फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल था उसका बेस बी क्यू था और उसके नीचे जो ट्राइंगल है पी बी सी उसका बेस है बी सी। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा क्यू बी अपॉन बी सी। ये दोनों ट्राइंगल के हाइट सेम थे इसलिए इसके सामने क्या लिखा गया है, इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग बेस क्यू बी अपॉन बी सी। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, उसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। सो पी बी सी कहां पर है इसमें, पी बी सी। अब देखो इसका बेस बी सी है और हाइट है पी क्यू। उसके नीचे ट्राइंगल दिए ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इसका बेस बी सी है और हाइट ए डी है। अपने नोटिस किया रहेगा कि दोनों का जो बेस है वो बी सी है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल
जिनका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, कौन से टाइप के हैं, ऐसे ट्राइंगल है जिनका बेस सेम है, तो इन ट्राइंगल का रेशियो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल होगा। ये रहा, अभी देखिए ये हमारे ट्राइंगल, सेकंड क्वेश्चन हमारा, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं जिनका बेस सेम है BC, तो इनके हाइट लिखेंगे। फर्स्ट वाले ट्राइंगल का हाइट PQ था, और जो ट्राइंगल दूसरा है ABC उसका हाइट है AD, सो इसका आंसर क्या होगा, PQ अपॉन AD। सेम में देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अब थर्ड वाले में भी ऐसे ट्राइंगल के नेम दिए, आपको ट्राइंगल को ध्यान से देखना है, उसका बेस और हाइट फाइंड आउट करना है, और फिर बताना है कि वो किसके इक्वल होंगे। सो इसमें फर्स्ट ट्राइंगल एबीसी, एबीसी तो हमने देखा है इसका बेस बीसी है और हाइट है एडी, उसके नीचे दूसरा ट्राइंगल एडीसी, अब देखिए एडीसी कहाँ पर है, एडीसी इसका बेस डीसी है और हाइट एडी है, मतलब ये कौन से टाइप के हैं, ये ऐसे हैं जिनका हाइट सेम है, तो इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, इनके करस्पॉन्डिंग बेस के इक्वल होगा। तो पहला जो ऊपर वाला ट्राइंगल है एबीसी, उसका बेस बीसी है, और उसके नीचे जो ट्राइंगल का नाम लिखा है एडीसी, उसका बेस डीसी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बीसी अपॉन डीसी, इसका आंसर क्या आएगा, बीसी अपॉन डीसी। जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन था उसका आंसर लिखा है यहाँ पर कि बीसी अपॉन डीसी है, ये दोनों ट्राइंगल जिनके हाइट सेम थे, तो हाइट सेम है तो उसके सामने उनका बेस लिखा हुआ है। बट हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है, ऊपर हमको न्यूमरेटर में ट्राइंगल का नेम दिया हुआ है एडीसी, अब देखिए एडीसी कहां पर है, एडीसी बेस डीसी और हाइट क्या है उसका, एडी है। दूसरा ट्राइंगल पीक्यूसी, सो वेयर इज पीक्यूसी, पीक्यूसी इसका बेस क्यूसी है और हाइट क्या है, पीक्यू, मतलब ये ट्राइंगल जो है ना, इसका बेस और हाइट दोनों अलग अलग है, तो ऐसे ट्राइंगल का रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब इनका बेस और हाइट दोनों ही लिखना है हमको। ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल एडीसी का बेस और हाइट लिख दिया गया है, उसके नीचे दूसरा वाला जो ट्राइंगल है पीक्यूसी, उसका बेस एंड हाइट लिख दिया गया है।